योर ऑनर, यह है सबूत, ये 10 लाख रुपए और ये वो नशीली जहरीली दवाएं जो बरामद हुई। योर ऑनर, मुलजिम रंजीत अपने जुर्म से इसलिए इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उस वक्त ये खुद वहां मौजूद था। योर ऑनर, मुलजिम सिर्फ ड्रग का नहीं बल्कि मौत का व्यापारी है। यह कानून का ही नहीं बल्कि देश का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है। दैट्स ऑल योर ऑनर। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मेरे ख्याल से हम अपना और इस अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब यह है योर ऑनर कि अभी अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने चिल्ला चिल्लाकर मिस्टर रंजीत के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए हैं वो सब सच है। उन्होंने कहा कि मिस्टर रंजीत एक ड्रग डीलर हैं, ये भी सच है। इन्होंने ये भी कहा कि उस गोदाम से जहां से मिस्टर रंजीत पकड़े गए वहां 10 लाख रुपए अनअकाउंटेड पैसे बरामद हुए, ये भी सच है योर ऑनर। अब मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से यह पूछना चाहूंगा कि वो शख्स जिसका नाम रंजीत है वो है कौन और इस वक्त अदालत में वो आदमी है कहां? वो जो कटघरे में खड़ा वही तो रंजीत है। दिस इज एग्जास्परेटिंग योर ऑनर। कुछ ही दिन पहले इसी अदालत में मैंने यह साबित कर दिया था पूरे सबूत के साथ कि इस शख्स का नाम रंजीत नहीं धनपत चावला है। धनपत चावला। योर ऑनर, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर वरुण को मेरे क्लाइंट के साथ या तो जाती दुश्मनी है या इनको इनका नाम बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण ये मेरे क्लाइंट का नाम बदलकर रंजीत करना चाहते हैं। क्या इस भरी अदालत में कोई ऐसा शख्स है जो मुझे यह बता दे कि इंस्पेक्टर वरुण मेरे क्लाइंट का नाम बदलकर रंजीत क्यों रखना चाहते हैं? जज साहब, सुने मेरी बात, सुने जज साहब, प्लीज जज साहब, आप इनसे कहिए कि अदालत के दरवाजे अंदर से बंद कर दे, वरना एक बहुत ही बड़ा खूनी जो इस वक्त इस अदालत में मौजूद है फिर से भाग जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? मेरा नाम सूरज है जज साहब और मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? इस खूनी की जज साहब, इस खूनी की, ये आसाम जेल से भागा हुआ खूनी है। इसने 20-20 खून किए हैं। इसके सर पर 10 लाख का इनाम है, वो आप मुझे दिलवा दीजिए सर। योर ऑनर, ये अदालत की तोहिन कर रहा है। कौन है वो खूनी? ये धनपत चावला। इसे फांसी की सजा हो चुकी है सर, पुलिस से कहिए इसे अरेस्ट कर ले। ये क्या बदतमीजी है योर ऑनर? इसके पास क्या सबूत है कि धनपत चावला एक खूनी है और जेल से भागा हुआ है? सबूत ये है मिलॉर्ड, अखबार में छपी हुई इसकी ये तस्वीर, ये भी है और ये भी है मिलॉर्ड। चाचा अब आप साथ दे तो सच और झूठ 2 मिनट में सामने आ जाएगा। मेहरबानी करके आप एक नजर फोटो को देखिए और दूसरी नजर कटघरे में खड़े आदमी को। 2 मिनट ऐसा कीजिए सर, प्लीज, थैंक यू। वाकई ये तस्वीरें? नहीं साहब, मैं धनपत चावला नहीं हूं साहब, मैं रंजीत हूं साहब, मैं रंजीत हूं साहब। तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। अब चुप रहो साहब, इनके ये वकील के कहने पर ही मैं धनपत चावला बनाऊं साहब। बंद करो अपनी जुबान, मत बोलो साहब। मेरा आप यकीन करिए साहब, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ साहब, मैं सच्ची में रंजीत हूँ साहब, रंजीत। शट अप फॉर गॉड्स सेक, प्लीज कीप क्वाइट। रंजीत हूँ साहब, मैं रंजीत हूँ साहब, रंजीत। अरेस्ट दिस मैन। बेवकूफ और अक्लमंद इंसान में सिर्फ एक ही फर्क होता है, बेवकूफ इंसान बिना सोचे समझे अपनी जुबान खोल देता है। स्टूपिड इडियट।
बात, तू कब से इतना अकलमंद हो गया रे? क्या चाल चली तूने? ये तुम्हारी पहली जीत है ना? ऑल थैंक्स टू यू। हो जाए पार्टी? पार्टी? हाँ। ठीक है, मैं तुझे आज किसी 5-स्टार होटल में ले जाकर एक कप चाय पिलाता हूँ। चाय? अरे यार आज के दिन तो थोड़ी सी थोड़ी सी। I'm up to my head with these guys. कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई छत के ऊपर है तो कोई नीचे है. Now what are they up to and what am I supposed to do? Every boy, every guy, fully holla holla. Every boy, every